इस वीडियो में निकालने वाले हैं एलसीएम ऑफ फ्रिक्शन, निकालना सीखने वाले हैं केवल 2 सेकंड के अंदर। उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस फॉर्म में होता है, जैसे कोई भी नंबर है उसका फ्रिक्शन फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली डिजिट और डिनोमिनेटर मतलब नीचे डिजिट जो होती है। सपोज एलसीएम ऑफ फ्रिक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हम एक फॉर्मूले से इसको करते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब सबसे ऊपर वाली जितनी भी डिजिट होंगी उनका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, और नीचे वाली डिजिट का हम क्या निकाल लेंगे, एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे वाली डिजिट का हम क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर। चल देखते हैं हम, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एलसीएम निकालने के लिए 2 upon 1153, 12 upon 1154, 24 upon 1157। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, न्यूमिनेटर का क्या निकालना है, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमिनेटर का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर किसका निकाल, 2, 6, 12 और 24 का। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको एक वीडियो लिंक में दिए, वीडियो का लिंक दे रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाकर एलसीएम की ट्रिक देख सकते हैं और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है पूरा आप समझ सकते हैं और 2 सेकंड में एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमने ट्रिक बताई हुई है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं हम, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 24। अब देखते हैं कि और डिजिट 24 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं, पूरी तरह 224 से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है, 6 हो रहा है 24 से डिवाइड, हो रहा है पूरी तरह से, 6 4 24, और 2 भी हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 12 भी 12 2 24। और तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 24। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया हमारा, 24। अब हमने एस सी एफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, नीचे वाले नंबर्स का। नीचे वाला नंबर क्या है हमारे, 1152, 1153, 1154, 1152। इसमें हम देखेंगे जब एस सी एफ निकालते हैं, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एस सी एफ निकालने की सबसे आसान ट्रिक और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से निकलता है वो आपको सब उसमें वीडियो में समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और उस ट्रिक के अनुसार हम देखेंगे कि इसमें 2 नंबर क्लोजेस्ट सबसे ज़्यादा कौन से हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो एक दूसरे के पास हो, ऐसे नंबर कौन कौन से है, ये भी है, ये भी 2 नंबर, तो इनमें से कोई सभी नंबर ले सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1153 - 1152, तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 के हम फैक्टर नहीं कर सकते, 1 का फैक्टर 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस सी एफ इसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 1। आप बिल्कुल ट्रिक समझ सकते हैं वीडियो में, लिंक के पास जाकर वीडियो देखकर आप बिल्कुल एस सी एफ और एल सी एम की ऐसी धासु ट्रिक है दे रखी है मैंने उसमें कि आप 2 सेकंड के अंदर अपनी एल सी एम और एस सी एफ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा आंसर क्या होता है, एल सी एम ऑफ फ्रिक्शन निकालना था हमको, एल सी एम ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि एल सी एम ऑफ न्यूमिनेटर क्या आ गया, 24, और एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ गया, इट्स 1। तो 24 upon 1 क्या हो गया, 1 हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम दूसरा अपना एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं कि एलसीएम 5 upon 25, 10 upon 30 और 20 upon 114। ठीक है, हम ये निकालना देखते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर का हमें क्या निकालना होता है, ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, एल एन, ठीक है,
इसका एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाले का क्या निकालना होगा, एससीएफओ डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमिनेटर निकालेंगे तो 5, 10, 20 और डिनोमिनेटर 25, 30, 114। अब उसमें जैसे अभी ट्रिक समझाई थी मैंने आपको, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 20 है। अब देखेंगे 520 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 20 हो रहा है, 10 भी, और 10 2 20, तो इसका आंसर क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर 20। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एससीएफ देखेंगे, अब दो डिजिट के बीच सबसे क्लोजेस्ट डिजिट कौन सी है, 25 और 30, क्योंकि 30 और 40 114 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 25 और 114 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, सबसे क्लोजेस्ट डिजिट कौन से, 25 और 30। तो 30 माइनस 25 कितना हो गया, 30 माइनस 25 इज़ 5। तो इसका 5 का हम फैक्टर, अब 5 डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से 114 से, नहीं होगा, तो हम इसके फैक्टर करेंगे। 5 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 1 और 5 ही होगा, तो 5 डिवाइड नहीं हो तो 1 हो जाएगा इससे डिवाइड, 1 तो सबसे हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 ही ऐसा फैक्टर है 5 का जो 114 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1। और इसमें पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और अपॉन एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 20 अपॉन 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20। इस तरह से आप कोई भी कितनी भी लार्जेस्ट डिजिट हो उसका एलसीएम ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको एससीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से निकालना सीखना और उसका कॉन्सेप्ट दी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं 2 सेकंड में निकालना एससीएफ और एलसीएम की बहुत आसान ट्रिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।